हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज में इस वीडियो में आपको टमाटर से किस तरीके से आप अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने स्किन के पोर्स को खोल सकते हैं, उसके लिए बहुत ही आसान से घरेलू नुस्खे बताऊंगी। टमाटर में विटामिन ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो कि सेहत के साथ सौंदर्य के आकर्षण को भी बढ़ाती है। टमाटर प्राकृतिक गुणों जैसे आयरन, साइट्रिक और अम्ल से भरपूर होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे टमाटर का फेस स्क्रब बनाना। इसके द्वारा आप अपने चेहरे की काले दाग धब्बे, एक्ने और पिंपल्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस स्क्रब को किस तरीके से बनाया जाता है। तो इस स्क्रब को बनाने के लिए हमें चाहिए एक टमाटर। इस टमाटर को बीच में से दो हिस्सों में काट लें। फिर उसके बाद एक स्लाइस को चीनी में डब करके इसे कुछ इस तरीके से अपनी स्किन पर स्क्रब करते रहें। ये स्क्रब आपकी स्किन से एक्ने, पिंपल्स, चेहरे के दाग धब्बे को हटाने में बहुत ही अच्छा स्क्रब है। 5 मिनट के लिए स्क्रब करने के बाद लगभग 10 मिनट के लिए अपने स्किन को सूखने के लिए छोड़ दें, क्योंकि टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि आपकी हेल्थी और ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक है। 10 मिनट सूखने के बाद अपनी स्किन को अच्छे से साफ कर लें। ये आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो करने में एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है। नेक्स्ट टिप्स हैं टमाटर और शहद का स्क्रब। इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको चाहिए टमाटर का रस। इसमें टमाटर को पल्प को कद्दूकस करके रखा है और इसमें मिलाएंगे लगभग 1 चम्मच हनी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपनी स्किन पर अप्लाई करें, क्योंकि फ्रेंड्स, हनी में माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि आपके स्किन के पिंपल मुहासे के बैक्टीरिया को खत्म करके आपके स्किन को नेचुरल ग्लो करने में, उसको स्पॉटलेस बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो टमाटर की मदद से आप बहुत ही अच्छे फेस पैक बना सकते हैं और कई तरह के सौंदर्य उत्पादों में भी टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको सनबर्न हुआ है तो टमाटर का ये प्रयोग आपकी त्वचा को नेचुरल तरीके से उपचार करने में बहुत ही इफेक्टिव है। आप इस पेस्ट को अपनी स्किन पर कुछ देर के लिए अप्लाई करें और फिर उसके बाद लगभग 10-5 मिनट बाद अपनी स्किन को सादे पानी से धो लें। टमाटर के साथ अन्य घरेलू उत्पादों का मिश्रण करने पर आपको काफ़ी फायदा होगा और कई प्रकार की त्वचा संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। तो ये फेस पैक आपकी नेचुरल ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मेरा अगला उपाय है जिसमें आपको चाहिए टमाटो जूस और लेमन जूस। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर टमाटर का पल्प निकाल के रखा है, लगभग 2 चम्मच है। इसे लेंगे और अब इसमें मिलाइए कुछ बूंद नींबू के रस, 1 चम्मच नींबू का रस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें कुछ बूंदें शहद की भी मिलाएंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इस स्क्रब को कुछ इस तरीके से अपनी स्किन पर अप्लाई करें। इसमें हमने नींबू लिया है जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि आपकी स्किन पर होने वाली बैक्टीरिया को खत्म करके आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो करेगा और साथ ही आपकी स्किन पर होने वाले दाग धब्बे को खत्म करके आपकी स्किन को साफ सुथरा बनाने में बहुत ही मददगारी है। और इसमें लिया है हमने हनी जिसमें माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो करने में, उसको नमी देने में बहुत ही इफेक्टिव है। तो इस स्क्रब को कुछ 5-10 मिनट के लिए इसी तरीके से लगा छोड़ दें और उसके बाद इसे सारे पानी से धो लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताए गए जो नुस्खे हैं, इन्हें आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, क्योंकि ये नुस्खे बहुत ही इफेक्टिव हैं और आपको नेचुरली ग्लो करने में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। अगर आपको ये बताए हुए नुस्खे बहुत ही पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर फ्रेंड्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आगे भी और भी नए नए वीडियोस, नए नए अपडेट्स आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।